गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कालानुक्रम यानी कालों का अनुक्रम क्या होता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। यहां देखें लिखा हुआ रूल नंबर 1, 2, 3, 4 वीडियो नंबर 99 में, यानी इसके पहले वाला जो वीडियो उसमें चार नियम पढ़ाए। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यह वह सिद्धांत है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत प्रिंसिपल क्लास की क्रिया, मुख्य उपवाक्य की क्रिया जो आई हुई है उसका प्रभाव आश्रित उपवाक्य सबऑर्डिनेट क्लास पर कैसे पड़ता है। इसमें यह प्रदर्शित किया जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत जो सबऑर्डिनेट क्लास है, आश्रित उपवाक्य है, उसकी क्रिया के ऊपर प्रिंसिपल क्लास के क्रिया का टेंस का प्रभाव पड़ता है। यानी सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया का टेंस वही होगा जैसा प्रिंसिपल क्लास के क्रिया का टेंस निर्धारित होगा। और इसका रूल यह है, जैसे मान लीजिए इसका नियम यह है कि बताए अगर पहली क्रिया यानी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में दी गई है तो उससे जुड़े हुए सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। जैसे हरि ने कहा वो आगरा जा रहा है, हरि सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। ही इज गोइंग टू आगरा नहीं, वो आगरा जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो आप लिखेंगे हरि सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। अब आइए इसमें रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या है? रूल नंबर एक इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि अगर प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट टेंस में दी गई है तो सबऑर्डिनेट की क्लास की क्रिया भाव के अनुसार किसी टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है। जैसे सुरेश कहता है सुरेश से, वह पत्र लिख रहा है, इज राइटिंग ए लेटर। सुरेश कहता है कि वह पत्र लिख रहा था, सुरेश सेज दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। सुरेश कहता है कि वह पत्र लिखेगा, सुरेश सेज दैट ही विल राइट ए लेटर। मतलब प्रिंसिपल क्लास की क्रिया अगर प्रेजेंट टेंस में है तो जिस हिंदी के टेंस में सबऑर्डिनेट क्लास दिया है यानी उससे जुड़ी हुई क्रियाओं का टेंस उसी में रह जाता है। जैसे हिंदी है वैसे अंग्रेजी वन। दूसरा नियम यह है कि अगर प्रिंसिपल क्लास की क्रिया फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर के किसी भी टाइप्स में, तो उससे जुड़ी हुई क्रिया यानी सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया भाव के अनुसार किसी टेंस में हो सकती है। जैसे हरि कहेगा, हरि विल से दैट, वह आगरा जा रहा है, ही इज गोइंग टू आगरा। हरि कहेगा को पत्र लिख रहा था, हरि विल से दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर। हरि कहेगा को पत्र लिखेगा, हरि विल से दैट ही विल राइट ए लेटर। मतलब अगर प्रिंसिपल क्लास की क्रिया फ्यूचर टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया यानी उससे जुड़ी हुई क्रियाओं का टेंस जैसे हिंदी है वैसे ही अंग्रेजी में रहेगा, उसमें कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन रूल नंबर थ्री में यह बताया जाता कि अगर प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में है तो उससे जुड़ी हुई यानी अन्य जो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रियाएं हैं, आश्रित उपवाक्य की क्रियाएं हैं, उनका टेंस बदल जाएगा, वह भी पास्ट टेंस में चले जाएंगे। यानी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया अगर पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया भी पास्ट टेंस में होगी। जैसे उसने कहा, ही सेड, वह आगरा जा रहा है, ही वाज गोइंग टू आगरा। उसने कहा, कहा चूंकि पास्ट टेंस में है तो जा रहा है को जा रहा था लिखेंगे, ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। अब यह कैसे टेंस बदलता है? यह टेंस बदलने का नियम है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब आप चेंज करते हैं तो जो रूल, जो नियम वहां वर्ब के लागू होते हैं वही सारे नियम सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में लागू होते हैं। यानी अगर बाहर वाली क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कामा में जो बात लिखी गई है प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस है तो आप ट्रांसलेशन पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस में बनाएंगे। और अगर बाहर वाली क्रिया पास्ट टेंस में है,
आई नो एट इट कम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बनाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए, और अगर पहले से पास्ट इंडिफिनिट दिया है तो पास्ट परफेक्ट में चलिए। मतलब सारे नियम जो आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले लागू होंगे। अब इसके लिए आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंतर्गत जो रूल्स ऑफ वर्ब है उसको थोड़ा दोहरा लेने की आवश्यकता है। अब आइए रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 का अपवाद भी है। अपवाद यह है कि अगर प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में है लेकिन उससे जुड़े हुए सबऑर्डिनेट क्लास की क्रिया, यानी जो सबऑर्डिनेट उपवाद के है क्लास है उसका जो भाव है वह सार्वभौमिक सत्य प्रकट कर, कोई आदत की बात कहता है, कहावत कोई कही गई है, ऐतिहासिक तथ्य दिया है या सर्वमान सत्य है, जैसे उसने बताया सूरज पूरब में निकलता है, उसने बताया कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, उसने बताया 2 और 2 4 होते हैं, उसने बताया ईमानदारी अच्छी नहीं थी, क्या है यह सार्वभौमिक सत्य है, सर्वमान सत्य है, आदत है, कहावत है, इनके टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया अगर पास्ट टेंस में है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास के उपवाक्य के द्वारा सार्वभौमिक सत्य, सर्वमान्य सत्य, आदत या कहावत प्रकट की गई है तो उस क्रिया का टेंस नहीं बदले। क्लियर। अब आइए रूल नंबर 5। यदि आश्रित उपवाक सबऑर्डिनेट क्लास के आरंभ में दैन हो, यानी आश्रित उपवाक्य हो सबऑर्डिनेट क्लास है और उसके पहले दैन हो तो वह तुलना प्रकट करता है, यानी जो भी सबऑर्डिनेट क्लास आया आश्रित उपवाक्य आया है उसके पहले अगर दैन आया है तो उससे तुलना प्रकट होती है, तो उसे उस उपवाक्य के भाव के अनुसार आप किसी भी काल में रख सकते हैं कि उस वाक्य का भाव क्या, अर्थ क्या है, प्रेजेंट में भी रख सकते हैं और पास्ट में भी रख सकते हैं। जैसे हरि तुमको मुझसे अधिक चाहता था, हरि लाइक यू मोर, हरि तुमको अधिक चाहता था, मोर देन ही लाइक्स मी, जितना चाहता है, या मोर देन ही लाइक्ड मी। अब क्या कहना चाहते हैं आप, हरि तुमको मुझसे अधिक चाहता था, जितना वह मुझे चाहता, ही लाइक्ड मी, या जितना वो मुझे चाहता है, ही लाइक्स मी, यह तो आपके भाव के ऊपर है, चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखिए चाहे सिंपल पास्ट का लिखिए, दोनों सही है। इसलिए कि तुलना में भाव के अनुसार टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी माता जी मेरी छोटी बहन की अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करती है, माई मदर लव्स मी मोर देन शी लव्स माई यंगर ब्रदर, माई मदर लव्स मी मोर देन शी लव्स माई यंगर ब्रदर, ये दोनों में कंपैरिजन है, तुलना है। रूल नंबर 6, यदि सबऑर्डिनेट क्लास उद्देश्य परपज के भाव से को प्रकट करे, करा यदि आश्रित उपवाक उद्देश्य प्रकट करता है, परपज के भाव को प्रेजेंट करता है, यानी वह प्रस्तुत करता है, तो भूतकाल के साथ माइट और वर्तमान काल के साथ मे का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर सबऑर्डिनेट क्लास के द्वारा कोई उद्देश्य प्रकट किया गया है तो पास्ट टेंस के अंतर्गत कर्ता के बाद माइट आता है और प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत मे आता है। नोट, ऐसे आश्रित उपवाक्य के पूर्व ताकि संयोजक आता है, जैसे मदन बहुत परिश्रम करता है ताकि वो पास हो जाए, मदन वर्क्स हार्ड, मदन वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि के अंग्रेजी सो दैट ही मे पास, मदन वर्क्स हार्ड दैट ही पास या सो दैट ही मे पास, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह प्रथम श्रेणी पा सके, ही वर्कड हार्ड पास्ट टेंस में है, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, माइट यानी उद्देश्य प्रकट कर रहा है और प्रिंसिपल क्लास की क्रिया पास्ट टेंस में है तो आगे माइट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन,
यानी उद्देश्य प्रकट करने वाला अगर प्रेजेंट टेंस में है तो सहायक क्रिया में लगाइए और पास्ट टेंस में है तो माइट लगाइए। ये आपके सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के नियम रहे। अब उस पर एक्सरसाइज एक लिए, वह जानती थी कि उसका नौकर चोर है। सी न्यू, वह जानती थी। हर सर्वेंट वाज थीफ, सी न्यू, वह जानती थी हर सर्वेंट वाज थीफ। मैंने उससे पूछा कि वह प्रतिदिन इतना देर से क्यों आता है। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा व्हाई ही केम सो लेट, वह इतना देर से क्यों आता था। टेंस बदल देंगे, आता है को आता था लिखेंगे। व्हाई ही केम सो लेट एवरी डे। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही केम सो लेट एवरी डे। नंबर तीन, रवि ने मुझे बताया कि उसने अपना पाठ याद कर लिया है। कर लिया है, लेकिन बताया क्रिया पास्ट टेंस में है, पहली क्रिया तो कर लिया है को कर लिया था, यानी पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। ट्रांसलेशन ऐसे होगा, हरी टोल्ड मी, हरी ने मुझे बताया दैट ही हैड लर्न, पास्ट परफेक्ट में दैट ही हैड लर्न हिज लेसन। रवि टोल्ड मी दैट ही हैड लर्न हिज लेसन। हरी ने मुझे बताया कि वो लखनऊ नहीं जाएगा। हरी टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू लखनऊ। देखिए पहली क्रिया टोल्ड है, हरी ने बताया, जाएगा तो विल का पास्ट टेंस वुड लिखेंगे, टेंस बदल देंगे। हरी टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू लखनऊ। नंबर पांच, मेरे मित्र ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी ठीक नहीं चल रही। माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा। माई वाच, तुम्हारी गाड़ी का मतलब माई वाच वाज नॉट कीपिंग गुड टाइम। माई फ्रेंड सेड दैट माई वाच, मेरी घड़ी वाज नॉट कीपिंग गुड टाइम, ठीक नहीं चल रही। कमला कहती है कि वह प्रतिदिन ताश खेलती है। प्रेजेंट टेंस में, ये जिस टेंस में वैसे ही बना दिए। पहली क्रिया कहती है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा तो आगे जैसे है वैसे ही रहेगा। कमला सेज दैट सी प्लेज कार्ड्स, कमला सेज दैट सी प्लेज कार्ड्स एवरी डे। हमीद कहेगा फ्यूचर टेंस में कि उसने घड़ी चुराई थी। हमीद विल से दैट ही हैड स्टोलन दी वॉच, हमीद विल से दैट ही हैड स्टोलन दी वॉच। जिस टेंस में उसी टेंस में प्रयोग करेंगे। अध्यापक ने देखा कि लड़के गाना गा रहे हैं, देखा पास्ट टेंस में है तो गा रहे हैं को गा रहे थे लिखेंगे। दी टीचर सा दैट दी बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग, दी टीचर सा दैट दी बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग। नंबर नौ, मैंने उसे बताया कि भौंकने वाले कुत्ते कम काटते हैं। यह एक आदत की बात कहिए या कहावत कह लीजिए। I told him, मैंने उसे बताया that barking dogs, भौंकने वाले कुत्ते barking dog seldom bite, यदा कदा ही काटते हैं। I told him that barking dog seldom bite, उसने अपने भाई की अपेक्षा मेरी अधिक सहायता की। तुलना है, किसी टेंस में ले जा सकते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में। He helped me more, उसने मेरी अधिक सहायता की। Then he helps या help हेज ब्रदर, ही हेल्प मी मोर, उसने मेरी अधिक सहायता की। ही हेल्पड मी मोर देन ही हेल्प हिज ब्रदर या देन ही हेल्पड हिज ब्रदर। यानी तुलना वाले में आप प्रेजेंट टेंस का भाव के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, भाव के अनुसार पास्ट टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से इस दो वीडियो के अंतर्गत 99 और 100 के अंतर्गत आपने देखा कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेज के नियम किस प्रकार से लागू होते हैं। थैंक यू।